हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम बनाएंगे कुरकुरी भिंडी। तो गाइस, भिंडी के तो बहुत से रेसिपी आप खाए होंगे, लेकिन आज चलिए कुछ नया बनाते हैं। तो आप इसे चाहे तो रोटी पराठे के भी साथ खा सकते हैं, या फिर शाम के समय आप इसे स्नैक्स के तौर पे भी सॉस के साथ खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगेगा। यहाँ हमने 250 ग्राम भिंडी लिया, इसे हम धोकर और पोंछ लेंगे। उसके बाद इसके हम पहले किनारों को निकाल कर और इसके हम दो स्लाइस काटेंगे और इसको हम 4-5 टुकड़ों में काट लेंगे भिंडी को, पतला पतला जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इस तरह से हम सारे भिंडी को काट लेंगे गाइस। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरा वीडियो नया देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अब हम यहाँ 4-5 हरी मिर्च, और हरी मिर्च को भी हम इस तरह से पतला पतला ही काटेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच बेसन, 1 चम्मच सूजी, बारीक सूजी आप ले लें, 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर, 1/2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। उसके बाद हम डाल देंगे 1 चम्मच नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच गोल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच हींग। और इस सारे मसाले को डालने के बाद इसमें हम डाल देंगे गाइस 2 चम्मच पानी, ताकि जो है हमारा ये जितना भी मटेरियल है सब अच्छे से कंबाइंड हो जाए। तो चलिए 2 चम्मच पानी डाल देते हैं। अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो इसे हम एक बड़ा बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसके बाद हम इसको ऊपर नीचे करके अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेंगे। तो जितने भी इन्ग्रीडियंट हैं सबको इस तरह से मिक्स कर लेना है। तो गाइस, आप इस कुरकुरी भिंडी को बनाइएगा ज़रूर और खाइएगा ज़रूर, और बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप लोग को कैसा लगा। तो मुझे इंतज़ार रहेगा। यहाँ पहले से तेल गरम कर लिए हैं हम, और तेल को बहुत पूरा फुल हीट में रखना है, और उसके बाद हम भिंडी को इसमें डाल देंगे। और इसे गाइस डालने के बाद 2-3 मिनट तक इसे ना छूएं, पलटना नहीं है इसे, ये खुद ब खुद अपने आप ये हल्का ब्राउन हो जाएगा। फिर जब 2-3 मिनट हो जाएगा तब इसको हम इस तरह से पलट लेंगे और इसे हम बिल्कुल ब्राउन होने देंगे, ताकि हमारा जो भिंडी है बिल्कुल कुरकुरा बने और बहुत क्रिस्पी भी बनेगा। तो ये लीजिए गाइस, 2 मिनट हो गया, इसे हम थोड़ा सा और पलट लेते हैं और उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे। तो आप लोग आवाज़ सुनिएगा कि कितना कुरकुरा भिंडी हमारा बनकर तैयार हुआ है। तो अब इसे हम तेल से छानकर और इस तरह से प्लेट में निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखिए, आप लोगों ने आवाज़ सुना, तो ये बिल्कुल कुरकुरी और क्रिस्पी बना है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह हम सारे भिंडी को फ्राई कर लेते हैं तेल में, बिल्कुल कुरकुरी भिंडी बना लेते हैं। तो आप भी इस तरह से बनाइएगा गाइस। तो चलिए, यहाँ सारा भिंडी हमारा रेडी हो गया है। तो गाइस, अब इसमें हम डाल देंगे ऊपर से मैगी मसाला को, आप इसमें डाल दें और उसके बाद इसको आप इंजॉय करें, या तो रोटी के साथ, या तो पराठे के साथ, या फिर आप इसे स्नैक्स के तौर पे सॉस के साथ भी आप इसे खा सकते हैं। तो बन गया ना हमारा कुरकुरी भिंडी। तो गाइस, तो फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग रेसिपी के साथ। तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और यहाँ देखिए, कुरकुरी भिंडी रेडी है। तो फिर मिलते हैं, बाय।